स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इंग्लिश लिटरेचर, आज हमारे लेक्चर 1 हिंदी वर्जन लेक्चर में हमारा टॉपिक है इंग्लिश रीडर से टॉर्च बियरर्स, जो कि लिखा गया है लेखक डब्ल्यू एम रिबन के द्वारा। स्टूडेंट्स, आपको नेम और राइटर को समझ लेना और याद रखना बहुत ज़रूरी है विद स्पेलिंग्स, और ये भी देख लेना है कि कौन कौन से लेटर्स कैपिटल बने हुए हैं। टॉर्च बियरर्स में टी कैपिटल बना है, बियरर्स में बी कैपिटल बना है, डब्ल्यू डॉट एम डॉट आर कैपिटल, आर वाई बी यू आर एन रिबन। ये जान लेना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपसे एग्जामिनेशन में पैसेज देकर पूछा जाता है कि इस पैराग्राफ को किस चैप्टर से लिया गया है और उसके लेखक कौन हैं। टॉर्च बियरर्स, इसकी हिंदी बनती है मशाल वाहक, मशाल ले जाने वाले। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सीधे सीधे मशाल की बात मशाल से नहीं है, इसका तात्पर्य और भाव निकालना होगा। राइटर की स्टाइल यह है कि राइटर पहले हमें कहानी सुनाते हैं और कहानी के माध्यम से फिर वो फिलोसॉफिकली हमें बताते हैं कि उसका क्या अर्थ और तात्पर्य है। ये अर्थ और तात्पर्य हम चैप्टर में आगे समझेंगे। आइए देखते हैं टॉर्च बियरर्स, मशाल ले जाने वाले। मशाल क्या है, ले जाने वाले कौन हैं, आइए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 1। वंस अपॉन अ टाइम, मैनी सेंचुरीज एगो, कभी किसी समय बहुत सारी शताब्दियों पहले एक बूढ़ा व्यापारी रहता था। ऑल हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन भर, ही टॉयल्ड, टॉयल्ड मीन्स वर्कड हार्ड, पसीना बहाना, उसने बहुत मेहनत की बाइंग एंड सेलिंग, खरीदने और बेचने में। एंड वॉज द रिजल्ट दैट ही हैड मेड अ लॉट ऑफ मनी, और उसका नतीजा ये बना कि उसने बहुत ज़्यादा रुपया कमा लिया। As the years went by, जैसे जैसे समय बीतता गया, he laid by, means saved more and more riches, उसने बहुत ज़्यादा धन संपत्ति इकट्ठा कर ली, riches संपत्ति। But the day came, लेकिन एक ऐसा भी दिन आया, when he felt, जब उसने महसूस किया, that he had not long to remain in this world, कि वह इस संसार में बहुत अधिक समय नहीं जी पाएगा। He began to wonder, wonder means think, उसने ये सोचना शुरू किया what he should do with his money, कि वह अपनी इस मनी का क्या करे। Now, अब he had two sons, उसके दो पुत्र थे। He made up his mind, made up means he thought, उसने अपने दिमाग में ये बात सोची that he would not divide his money between them, कि वह इस रुपए को उनके बीच में डिवाइड नहीं करेगा, but he would give it to द वन, बल्कि इस धन को वह किसी एक को देगा। हु प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी द क्लेवरर ऑफ द टू, जो कि दोनों में से अपने आप को, उन दोनों में से जो भी अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान साबित कर देगा। द प्रॉब्लम टू बी सोल्व वॉज दैट ऑफ फाइंडिंग आउट विच ऑफ द टू सन्स वॉज द क्लेवरर। अब सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट्स ये थी कि कैसे ये पहचाना जाए कि दोनों पुत्रों में से कौन सा ज़्यादा क्लेवरर है, कौन सा ज़्यादा बुद्धिमान है। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि सौदागर के सामने, व्यापारी के सामने क्या समस्या थी, तो आप लिखेंगे द प्रॉब्लम वॉज टू फाइंड आउट विच वन ऑफ द टू वॉज क्लेवरर, कि दोनों में से कौन बुद्धिमान था। द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व वॉज that of finding out which of the two son was the cleverer. He decided to solve this problem by giving them a test. उस व्यापारी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया उनको एक परीक्षा देकर। Calling the young man, he said to them, दोनों पुत्रों को बुला करके वह बोला, here are 2 rupees, यहाँ 2 रुपए हैं, I want you, मैं चाहता हूँ कि तुम take 1 rupee each, एक एक रुपया उठा लो, and then to go out separately and buy something which will fill this house, और कुछ ऐसा खरीद कर लाओ जो इस घर को भर दे। You are not spend more than 1 rupee, आपसे आशा की जाती है कि आप इस रुपए से ज़्यादा कुछ भी खर्चा नहीं करेंगे। The two sons looked at him, दोनों बेटों ने उसको ऐसे देखा, as if he had taken leave of his senses, जैसे कि मानो उस बूढ़े की बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो। How can we possibly buy enough of anything to fill the house with only 1 rupee? उन बच्चों का, दोनों लड़कों का ये विचार था कि केवल 1 रुपए मात्र से आखिर ऐसी कौन सी चीज़ खरीदी जा सकती है जो घर को भर दे। They asked themselves, उन्होंने खुद से पूछा,
एंड दे वर रिलक्टेंट, रिलक्टेंट मीन्स अनविलिंग, स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वे बिल्कुल अनिच्छुक थे टू पिक अप द रूपी, रुपया उठाने में, वे नहीं चाहते थे कि रुपया उठाएं, बट द ओल्ड मैन इंसिस्टेड, इंसिस्टेड मीन्स बस, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने इंसिस्टेड उन पर दबाव डाला, ऑन देयर डूइंग एज ही टोल्ड, कि वे ऐसा ही करें जैसा कहा गया है, ऑफ यू गो, और बोले कि अब यहाँ से आप लोग जाएं, एंड डोंट टेक टू लॉन्ग ओवर द बिजनेस, और इस बिजनेस पर बहुत ज़्यादा समय मत लगाना, आई एक्सपेक्ट यू बैक इन अ कपल ऑफ डेज, मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग एक दो दिन में वापस आ जाओगे. So each of the young men took up a rupee and went out. दोनों ही लड़के, दोनों यंग मैन ने रुपया उठाया और वह बाहर चले गए. द फर्स्ट वन wandered थ्रू द बाजार. स्टूडेंट्स यहाँ से आप लोग ध्यान देते चलेंगे, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पहले बेटे ने क्या किया, तो पहला बेटा सीधा बाजार गया. बट नथिंग कुड ही फाइंड विच वुड इन एनी वे सर्व हिज पर्पज, लेकिन उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो उसके उद्देश्य की पूर्ति कर सके. ऑल डे लॉन्ग ही wandered अबाउट, पूरा दिन वह भटकता रहा, लुकिंग इस तलाश में, इन ऑल द शॉप्स, सभी दुकानों पर, बट नथिंग कुड ही फाइंड, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला. अर्थात पूरा दिन वह दुकानों को तलाशता रहा, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं मिला कि वह एक रुपये में कुछ ऐसा खरीदे कि उसका घर भर दे. He became more and more certain. अब उसे और ये निश्चित हो चला था that something had gone wrong with his father, कि उसके फादर की बुद्धि में शायद कुछ खराबी आ गई है. He was about to give up. Give up means त्यागना. वह अपनी his search, अपनी खोज को त्यागने ही वाला था in despair, निराशा में. When he saw a bullock cart with a load of hay, जब उसने hay means भूसा, load means भरी हुई, जब उसने भरी हुई एक बैलगाड़ी को देखा, that looks hopeful, वह बहुत ज़्यादा उम्मीद से भर गया. ही थॉट, उसने सोचा, आई वंडर हाउ मच आई कैन गेट फॉर अ रूपी, कि मैं एक रुपए से कितना भूसा खरीद सकता हूँ. ही वेंट अप टू द ड्राइवर, वह ड्राइवर के पास गया, ऑफ द कार्ट, कार्ट के ड्राइवर के पास, बैलगाड़ी के ड्राइवर के पास, एंड एनक्वायर्ड, और पता किया, अबाउट द प्राइस ऑफ द हे, कि हे क्या भाव है. देयर वॉज अ गुड डील ऑफ हैगलिंग, हैगलिंग मीन्स मोल भाव. वहां पर काफी मोल भाव हुआ ओवर द प्राइस, पैसे को लेकर. बट इन द एंड, लेकिन अंत में, ही वॉज एबल टू बाय द लोड ऑफ हे फॉर अ रूपी, और वह पूरी बैलगाड़ी से भरे हुए भूसे को एक रुपए में खरीदने के लिए तैयार हो गया. स्टूडेंट्स आप सोचेंगे कि एक रुपए में भूसा इतना सारा कैसे आ सकता है, तो हम आपको बता दें, दिस वॉज इन द डेज, ये उस समय की बात है, वेन अ रूपी वुड बाय अ ग्रेट डील मोर देन इट विल बाय नाउ, कि ये उस समय की बात है जब एक रुपया इतना ज्यादा खरीद सकता था जितना आज नहीं खरीद सकता है. सो द यंग मैन लेड ऑफ द कार्ट विद द हे टू हिज फादर्स हाउस, उस नौजवान लड़के ने उस बैलगाड़ी को जिसमें भूसा भरा हुआ था अपने पिता के घर लेकर आया. Hopefully, बड़ी उम्मीद के साथ, he piled it into the house. Piled means ढेर लगाना, heaped up, ये important word है, list to list भी में पूछा जाएगा. और एक घर में ढेर लगा दिया. But when it was all in, लेकिन जब सब कुछ अंदर आ गया, he found, तो उसने पाया, there was not enough to cover even the floor. अरे, घर तो भरने की बात दूर, ये तो फर्श भी नहीं ढक पा रहा है. लेट अलोन फिल द होल हाउस, जो हमने पहले पढ़ दिया है, घर भरने की तो बात किया, पूरा घर भरने की तो क्या ही बात, वह तो फर्श भरने में भी पर्याप्त नहीं है, कम है. व्हेन द सेकंड सन वेंट आउट विद हिज रूपी, ही डिडंट गो स्ट्रेट वे टू द बाजार. स्टूडेंट्स आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूसरे बेटे ने, यहाँ पर छोटा बेटा और बड़ा बेटा नहीं है, दूसरे बेटे ने क्या किया. दूसरा बेटा सीधे बाजार नहीं गया, याद है आपको, पहले बेटे ने क्या किया था, पहला बेटा सीधा बाजार गया था और गलियों में घूमता रहा था तलाश करता हुआ, जबकि दूसरा बेटा सीधा बाजार नहीं गया. इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, और ऐसा करने के बजाय, ही सैट डाउन एंड बिगेन टू थिंक, वह बैठ गया और सोचने लगा. स्टूडेंट जो हमने अंडरलाइन किए हैं, ये सब आपके आंसर्स के हिंट्स हैं. फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय तक बैठा रहा, ही सैट थिंकिंग, सोचता रहा, अबाउट वॉट ही कुड पॉसिबली बाय, कि क्या खरीद सकता है वह संभवतः. एट लेंथ, कुछ समय बाद, इन द इवनिंग टाइम, एन आइडिया स्ट्रक हिम, उसके मस्तिष्क में एक विचार आया,
Taking his rupee, he walked quickly down the bazaar till he came to a shop where candles were sold. वह एक दुकान पर आया, बाजार में सीधे इसी दुकान पर आया, कहीं भटका नहीं, जहां पर मोमबत्तियां बेची जाती थीं। He spent his rupee on candles. उसने अपना रुपया इन मोमबत्तियों पर खर्चा किया। On which he got quite a number. और पर्याप्त मात्रा में उसको मोमबत्तियां मिल गईं। Then taking the candles with him, अपने साथ इन मोमबत्तियों को लेकर, he made his way back to his father's house. वह अपने घर को लौटा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर पूछा जाएगा कि जब वह घर को लौटा तो उसने अपने पहले भाई को किस स्थिति में पाया, तो सुन लीजिए। When he got there, his brother was standing disconsolately. Disconsolately means उदास, sad, dejected, निराश. Looking at the hay, वह भूसे के पास खड़ा हुआ था बड़ा निराश. Spread out on the floor, और यह है भूसा फैला हुआ था धरती पर, फर्श पर. It was now getting dark, अंधेरा हो चला था. Quickly the second son stood two or three candles in each room. और जल्दी जल्दी उसने दो तीन मोमबत्तियाँ हर कमरे में लगा दीं. Then he lit them, और उनको जला दिया. At once the whole house filled with light, और जल्दी ही सारा घर रोशनी से भर गया. His father was very pleased with him and said, उनके पिता बहुत ज़्यादा खुश थे दूसरे बेटे से, और वह बोले. स्टूडेंट्स, आपसे पूछा जाएगा कि पिता की क्या प्रतिक्रिया थी दूसरे बेटे पर और वो क्या बोले, तो नोट कीजिए. माई सन, मेरे पुत्र, यू हैव शोन ट्रू विजडम, तुमने वास्तविक बुद्धिमत्ता दिखाई है, अपनी अकल दिखाई है. आई एम रेडी टू हैंड ओवर ऑल माई मनी टू यू, मैं सारा अपना रुपया और धन तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ. तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये लेक्चर आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा. दूसरे लेक्चर को देखने के लिए और इसी लेक्चर के इंग्लिश वर्जन को देखने के लिए प्लीज़ बने रहिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पर. प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट कीजिए, सो दैट वी मे इम्प्रूव. एंड सब्सक्राइब प्लीज़ आवर चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, सो दैट यू मे बी अपडेटेड विद न्यू सीरीज ऑफ योर सिलेबस. थैंक्स.